खनियाधरा से खबर, जहां पर खनियाधरा तहसील के अंतर्गत आने वाले मायापुर थाना सीमा के ग्राम मुसाहा में यात्रियों से भरी यादव बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 5 यात्री घायल हो गए हैं। बस पलटने की सूचना जैसे ही मायापुर पुलिस को लगी तो तत्काल मायापुर थाना प्रभारी नीतू सिंह अहिवार बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को थाना प्रभारी के शासकीय वाहन की मदद से खनियाधरा स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। 2 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार यादव यात्री बस अशोकनगर से रनौत की ओर जा रही थी, उसी समय बस मुहासा गांव से गुजर रही थी, तभी अचानक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। यात्रियों ने बताया कि चालक शराब के नशे में बस चला रहा था। कुछ ही देर पहले एक जगह पलटते पलटते बची थी कि कुछ ही दूरी तय करने के बाद बस पलट गई और चालक मौका मिलते ही भागने में सफल रहा। फिलहाल मायापुर थाना के चालक पर लापरवाही और नशे में वाहन चलाने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। एक बस पलटी है, क्या पूरा मामला है? ये 2:45 के करीब सूचना प्राप्त हुई थाने पर कि एक बस पलट गई है। सूचना प्राप्त होते ही हम लोग तत्काल मौके पर रवाना हुए। ये मुहासा और ये मुहासा रोड है, वहाँ पर एक बस पलटी हुई मिली, जहाँ 2 आदमी दबे हुए थे बस के। तत्काल उनको बस के नीचे से सही आदमियों की मदद से उनको निकाला गया। वो तो थाने के वाहन से उनको तत्काल लेकर अस्पताल पहुंच गए। इसमें 5 लोग घायल हैं, इसमें गंभीर 2 लोग घायल हैं, जिसका एक हाथ, एक व्यक्ति का हाथ थोड़ा डैमेज है ज़्यादा। उनको सीपरी रेफर करा दिया गया। शेष जो घायल हैं 3, उनका इलाज यहीं खनिया दाना में चल रहा है। हाँ, तो ये इसकी कोई वजह पता पड़ी है कि क्या पूरा मामला रहा? ये है कि बताया गया है, जो घायल थे उनसे पूछताछ की, उन्होंने बताया कि जो ड्राइवर था वो शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, बस चला रहा था, तो किसी की लापरवाही की वजह से मोड़ पर उसने टर्न लिया, इस पर से वाहन पलट गया बस। इसमें चालक जो था वो मिला है क्या मौके पर? चालक मौके से भाग गया है।